अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का हल्ला बोल मोर्चा, अमेज़न गो बैक के लगे नारे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कीर्ति राणा ने सैकड़ों कामगारों के साथ गुरुवार को एपीएमसी मार्केट में हल्ला बोल मोर्चा निकाला। कीर्ति राणा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि विदेशी कंपनियों के ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से 70 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नुक्कड़ की छोटी बड़ी दुकानें ऑनलाइन कंपनियों की गैर नीति की वजह से बंद होने की कगार पर हैं। आज अमेज़न पर माल बिकता है, फ्लिपकार्ट पे माल बिकता है, वैसे करीबन 5 लाख छोटे बड़े ट्रेडर्स को उन्होंने नोंदित करके इस देश की जनता का डाटा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और इन लोग से ये मुंह मांगा कमीशन अंदाजा 30-35% मांग रहे हैं। अब इस जनता को, देश की जनता को लूट चल रही है। FDI के धोरण के प्रमाण से इन्होंने B2B की बात कर लाइसेंस लेते हैं और बाद में वो हमारे कानून की धजिया उड़ाते हुए बिजनेस टू कंज्यूमर में आ जाते हैं और टैक्स के साथ 1000 रुपये की वस्तु जो है वो असल में 500 की होती है, आपके घर में वो 1000 में भेजते हैं, होम डिलीवरी होती है, वो 500 वाली चीज़ 1000 में हो जाती है। देश की नई पीढ़ी और लोगों के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोचे। नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, सब ये ऑनलाइन के व्यापार से, अमेज़न की गैर रीति से, फ्लिपकार्ट की गैर रीति से बंद होने जा रहा है। आज आगे भी हमने वॉलमार्ट के पीछे बोला था कि वॉलमार्ट गो बैक, ऐसे आज हमारा नारा रहेगा, अमेज़न फ्लिपकार्ट गो बैक। इस देश के अंदर जनता को इतना बड़ा मार्जिन चुकाना पड़ता है तो उसकी सुविधा जो है आपको घर तक माल पहुंचाने के लिए आपके गली का छोटा व्यापारी सक्षम है, आपके पास इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं लेगा। उन्होंने भारत सरकार से स्वदेशी राष्ट्रीय इंडिया जोन खोलने की मांग की ताकि छोटे व्यापारी उससे जुड़कर अपना रोजी रोटी कमा सकें। मोदी साहब से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमारा स्वदेशी राष्ट्रीय इंडिया जोन खोलिए जिसमें छोटे छोटे बड़े बड़े सभी व्यापारी उसमें शामिल हो जाए और माल पहुँचाने के लिए हमारी पोस्ट ऑफिसें हैं, हमारी गांव-गांव तक पहुंची हुई पोस्ट ऑफिस, रेलवे, बस, स्टीमर, फ्लाइट, रिक्शा, टैक्सी जो भी है सभी को शामिल कर घर घर तक माल पहुंचाओ और वो कम से कम दाम में, कम से कम मार्जिन में पहुंचाओ ताकि इस देश के नागरिकों को सही माल मिले, सही दाम में मिले। अगर अमेज़न 30% लेता है और उसके ऊपर GST ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो फिर ये देश को सस्ता माल कहाँ मिलेगा? ये मूर्ख बनाने की बात है, एडवर्टाइजमेंट की बात है। टीवी मीडिया का उपयोग करके इन्होंने जो मैसेज दे रहे हैं वो B2B का नहीं है, B2C करके डाटा एकत्रित करके इस देश की नई पीढ़ी को गुलाम बनाने की आदत कर रहे हैं। इस नए नए बच्चे को पता नहीं है, उनको भविष्य में कोई व्यापार में आएंगे नहीं और वो पीढ़ी जो है सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, 2-4-5-6 लाख का पैकेज लेकर नौकरी करेंगे, छोटी छोटी दुकान डालने में मजबूत बन जाएंगे, नहीं डालेंगे। तो हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स आह्वान करती है कि सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाए, नीतियाँ बनाए, हमारे छोटे छोटे व्यापार, हमारे बड़े बड़ी मार्केटें हैं, आज बड़ी एस्टैब्लिश मार्केट है उसको भी बंद होने को ताला लग जाएगा। हमारे पे जबरदस्ती APMC लादा हुआ है, आज अमेज़न का माल के ऊपर कोई APMC नहीं लगेगी,
मार्केट फी नहीं लगेगी, तो आप वो जीएसटी भर रहे हैं नहीं भर रहे है, पता नहीं है, मगर हमारा माल आज भी हम दावा के साथ कहेंगे कि अमेजोन से हम जो भी है आपको 30% कम देने की हमारी तैयारी है, चाहे कहाँ भी मंगाओ कोई भी माल हम देने को तैयार है। इस देश को राष्ट्रीय जोन की जरूरत है, आप टेक्नोलॉजी का आयात करिए, आप एजुकेशन को इंपोर्ट करिए, मगर ये तो आप उनको किराना माल, ड्राई फ्रूट माल, शक्कर, गुड़, कपड़े, फोन ये बेचने को लगा दिया, ये कहाँ का न्याय है? आज देश के 7 करोड़ व्यापारी परिवारों का क्या होगा? इस गंभीर बात है, सोचने लायक बात है। हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करिए, उनकी उनकी एजुकेशन कराइए, मगर इनको ही आप बोलेंगे आप बिजनेस में आ जाओ, B2B में आ जाओ, B2B का लाइसेंस लेंगे और B2C मेट्रो ने यहाँ यही काम कर रहा है। आज हमारी मार्केट के अंदर एक ज़माने में 100 गाड़ी शक्कर की आती थी, आज वो 50 गाड़ी के अंदर हो गई है। तो ये क्या है? सरकार की FDI नीतियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा कड़ा विरोध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।